हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल योगेश जुल्का। आज हम एक और बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए हैं। काफी स्टूडेंट्स कंप्लेंट करते हैं और कंफ्यूज होते हैं, वन थिंग एट ए टाइम करना चाहिए या हमें मल्टीटास्किंग करना चाहिए, क्योंकि आजकल ये वर्ड मल्टीटास्किंग बड़े इजीली और हर जगह पर यूज किया जाता है, मल्टीटास्किंग। तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे कि इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, इसके प्रॉब्लम्स इसमें क्या अक्कर होती हैं, और मल्टीटास्किंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, या हमें एक टाइम पे ही फोकस रहना चाहिए। आज ये सब डिस्कस करेंगे और आप फिर इस वीडियो के बाद आप समझ पाएंगे कि व्हाट इज द एग्जैक्टली मीनिंग ऑफ मल्टीटास्किंग, राइट। तो आज हमारा जो टॉपिक है, वन थिंग एट ए टाइम एंड मल्टीटास्किंग। तो वन थिंग एट ए टाइम, जैसे हमारी जो डेली दिनचर्या होती है, अगर आप जैसे आप तीन चार फेजेस में जाते हैं, जैसे एक आप घर पे होते हैं, सेकंड आप कोई एक्सरसाइज स्केड्यूल फॉलो करते हैं या जिम जाते हैं या वॉक पे जाते हैं, थर्ड जब आप बिल्कुल अपने पेरेंट्स के साथ होते हैं या रिलेटिव्स के साथ होते हैं या नेबर्स के साथ होते हैं, फोर्थ जब आप ऑफिस के एनवायरमेंट में होते हैं। तो ये अलग अलग फेजेस होते हैं, अलग अलग जगह होते हैं, जो आप एक ही दिन में इन तीन चार फेजेस में से निकलते हैं, आते हैं, जाते हैं, राइट। तो इसमें आपको जो फोकस करना है, जो आपका स्ट्रेस रिड्यूस करेगा, जो क्वालिटी इंप्रूव करेगा, जो टाइम मैनेज करेगा, जो आपको प्रायोरिटाइज करेगा, वो वन थिंग एट ए टाइम है। कि अगर मैं वॉक कर रहा हूँ तो मेरा सारा कॉन्सेंट्रेट मेरी वॉक पे होना चाहिए। हाँ, उसके साथ आप कुछ कुछ म्यूजिक सुन रहे हैं या आप कोई वीडियो सुन रहे हैं, कोई आप मेरी वीडियो सुन रहे हैं जिससे थोड़ा स्किल भी अपग्रेड हो जाए, और एक जगह फोकस करके आपका सारा ध्यान अपने आप में अपनी बॉडी को शेप में लाने के लिए है, या योगा कर रहे हैं, जिम कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, तो उससे आप देखेंगे कि आप स्ट्रेस फ्री हो रहे हैं, आपका फोकस है एक काम पे। हाँ, अगर आप योगा करते करते आप ऑफिस के कामों के बारे में सोच रहे हैं या ऑफिस की कॉल्स कर रहे हैं, ऑफिस में आप घर के काम कर रहे हैं, घर में आप सोच रहे हैं कि अरे मैंने ऑफिस में ये एक चीज कर लेता, योगा करते हुए आप ऑफिस का सोच रहे हो और ऑफिस में आप ये अपने आप को फील कर रहे हैं कि अरे शिट, मैं कब जिम जाऊंगा या मैं कब योगा करूंगा, कब मैं एक्सरसाइज करूंगा, मेरे को ये एक्सरसाइज करनी थी, मुझे ऐसा करना था, मुझे ऐसे करना था, मुझे अपना टाइम बढ़ाना था, मुझे अपना फोकस बढ़ाना था। तो ये सब चीजें हौश पौश हैं, ये सब गलत हो जाएंगी। जब आप जो काम कर रहे हैं आपका 100% फोकस उस पर होना चाहिए। जब आप योगा कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तब आपका सारा ध्यान सिर्फ एक्सरसाइज में होना चाहिए। देन डू नॉट एंटरटेन एनी कॉल्स, राइट। जब आप घर पे हैं तो आप घर पे पूरी अटेंडेंस दीजिए, पेरेंट्स का ध्यान रखिए, बच्चों के साथ रहिए, और जो भी आप अपने फ्रेंड्स के साथ हैं उनके साथ, उनके बातचीत करने में, उनकी हेल्प करने में, उनको समझने में आप उधर टाइम स्पेंड करिए। जब ऑफिस में है तो बिल्कुल बाकी हर जगह से डिस्कनेक्ट हो जाए, राइट। जब ऑफिस में है, ये प्रायोरिटाइज है, ये काम है, इस पे क्वालिटी करनी है, फिर उन्हीं कामों को लेकर आपके अलग अलग डिपार्टमेंट्स को आपको बात करनी है, आप वहां पे अपनी मल्टीटास्किंग यूज करिए। कि इस काम को कंप्लीट करने के लिए आपको मार्केटिंग डिपार्टमेंट के पास जाना है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट के पास जाना है, सेल्स डिपार्टमेंट के पास जाना है, तो आप उन डिपार्टमेंट्स में जब एक ही काम के फोकस होके आप चेक करेंगे तो उसको मल्टीटास्किंग कहा जाएगा। मल्टीटास्किंग ये नहीं कहा जाएगा कि आप गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी चलाते चलाते आपका सारा ध्यान ऑफिस की कॉल्स में है, आप मेल्स पढ़ रहे हैं, आप मेल्स चेक कर रहे हैं, मेल्स का ध्यान करते करते आप पेट्रोल फ्यूल करवा रहे हैं या आप गाड़ी की तरफ कोई और बात कर रहे हैं, तो एक्सीडेंट होने के मेजर चांसेस हैं। ये हमारे साथ अक्सर होता है कि जब हम जो काम कर रहे होते हैं हमारा ध्यान उधर नहीं होता, बाकी 10 चीजों में होता है, राइट। अगर आप मेडिटेशन करते हैं या किसी सत्संग पे जाते हैं तो आपका ध्यान उस टाइम सिर्फ सत्संग पे या सिर्फ मेडिटेशन में होना चाहिए, तब बाकी कामों को आपने रिलैक्स कर रखना है। तो इससे आपका फोकस बढ़ता है, रिड्यूस होता है आपका स्ट्रेस लेवल, आपकी क्वालिटी बहुत इंप्रूव हो जाती है,
आप अपने टाइम को अप्रोप्रिएटली मैनेज कर पाते हो कि मैंने 1 घंटा एक्सरसाइज करनी है, आधा घंटा ड्राइव करना है, फिर 2 घंटे इस प्रोजेक्ट पे काम करना है, 2 घंटे इस प्रोजेक्ट पे काम करना है, और उसी के अकॉर्डिंग आप प्रायोरिटाइजेशन भी कर सकते हैं कि ये काम पहले करना है, ये काम बाद में करना है। इसके बाद आपकी बॉडी को रेस्ट चाहिए तो आप ये शाम के टाइम करिए, रात के टाइम करिए, या बिफोर स्लीप करिए। इसके ये काम करने के बाद आपकी बॉडी एनर्जेटिक हो जाती है, तो आप उसको फर्स्ट हाफ में, फर्स्ट मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग वो काम करिए, ताकि पूरा दिन आप एनर्जाइज रहे। और फिर आप अपने कामों को वैरायटी भी ला सकते हैं, जिससे आपका फोकस और बढ़ता है कि आप कंसिस्टेंटली, अब मैं ये वीडियो को अगर 1 घंटा शूट करूंगा या 1 घंटा इसके ऊपर बोलूंगा, तो आप ये वीडियो को कंसिस्टेंटली नहीं सुन पाएंगे, उसमें इंटरेस्ट नहीं रहेगा। इसलिए काफी शॉर्ट वीडियो में 5-5 6-6 मिनट की वीडियो बनाता हूँ कि एटलीस्ट आप लोग उसको कॉन्सेंट्रेट कर पाए, राइट? तो उसमें आपको वराइटीज मिल जाती हैं, कभी एक टॉपिक पे बात करी, फिर दूसरे पे करी, तीसरे पे करी, तो वराइटीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है आपको स्टे फोकस रहने के लिए। फ्लेक्सिबिलिटी रहती है आपको, आप अपने कामों को, ये काम कर लिया, फिर ये कर लिया, फिर ये कर लिया, आप अपने आप को फ्लेक्सिबल कर सकते हैं। फिर पहले कभी ये कर लिया, कभी ये कर लिया, आप अपना डे स्केड्यूल प्रायोरिटाइज के अकॉर्डिंग, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग आप चेंजेस कर सकते हैं, आपके हाथ में है। और जो मल्टीटास्किंग, जैसे रिस्क की बात इसमें कही गई है, रिस्क वही होता है जब आप ड्राइव करते हैं, ड्राइव करते करते आप ईमेल्स पढ़ रहे हैं, रिस्पॉन्स दे रहे हैं, फोन कॉल्स पे लगे हुए हैं, और 10 चीजें जब दिमाग में चल रही हैं, तो आपके लिए बहुत बड़ा लाइफ थ्रेटनिंग रिस्क हो जाता है, क्योंकि आप ड्राइव कर रहे हैं उसके साथ साथ, और अपनी रिस्क के साथ साथ आप अपने आसपास वालों को भी रिस्क में डाल रहे होते हैं, राइट? तो जब आप, अब मैं आपको थोड़ा समराइज करने की कोशिश करता हूँ कि जब जब आप जो सा काम कर रहे हैं, आपका सारा फोकस उस पर होना चाहिए। जैसे इस टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ, मेरे फोन बज रहे हैं, मेरा ऑफिस का डोर नॉक हो रहा है, कुछ और स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं जो बात करना चाह रहे हैं, लेकिन सिर्फ मेरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ आपकी वीडियो को बेस्ट कंटेंट देने में लगा हुआ है, जो आपको कहीं और अवेलेबल नहीं होगा। तो जब आप जो काम कर रहे हैं, आपको 100% फोकस उस पे होना चाहिए। मल्टीटास्किंग करो तो इससे आसपास का ही हो। अगर मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो साथ में मैं इसके नोट्स बना रहा हूँ, मुझे क्या भाषा यूज करनी है, क्या नहीं करनी है, मुझे कौन से वर्ड्स यूज करने हैं, कौन से वर्ड यूज नहीं करने हैं, मैं उन चीजों पे ध्यान रख रहा हूँ, उन चीजों को मैंने नोट करा हुआ है, उन चीजों की मैंने समराइज लिखी है कि ये पॉइंट्स के बारे में बात करनी है। तो मैं, ये मल्टीटास्किंग है। मैं ये करते करते पियानो नहीं बजा रहा हूँ, मैं रिकॉर्डिंग करते करते ड्राइव नहीं कर रहा हूँ, मैं रिकॉर्डिंग करते करते व्हाट्सएप पे कुछ और कम्युनिकेशन नहीं कर रहा हूँ, मेरा पूरा फोकस वन एट ए टाइम है, मल्टीटास्किंग है, इसी काम से रिलेटेड काम कर रहा हूं, तो आपके मल्टीटास्किंग काउंट होता है, राइट? जैसे हमारा, जैसे हम किसी कॉलेज में पढ़ते हैं, हम बीबीए कर रहे हैं, बीबीए के साथ साथ हम डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं, बीबीए के साथ साथ हम स्टॉक ट्रेडिंग सीख रहे हैं, बीबीए के साथ साथ हम डेटा साइंस के बारे में सीख रहे हैं, तो ये कोरिलेट करते हैं एक दूसरे के साथ। हाँ, बीबीए के साथ साथ मैं स्विमिंग सीख रहा हूँ, बीबीए के साथ साथ मैं हॉर्स राइडिंग सीख रहा हूँ, मैं गोल्फ सीख रहा हूँ, एक आधा स्पोर्ट्स फिर भी चलता है, लेकिन बीबीए के साथ साथ मैं सीए की भी तैयारी कर रहा हूँ, बीबीए के साथ साथ मैं आईएएस की भी तैयारी कर रहा हूँ। ना आप आईएएस बन पाएंगे, ना ठीक से बीबीए कर पाएंगे। तो आपको ये प्रायोरिटाइज करना कि मुझे लाइफ में करना क्या है, और जब जो करना है उसे शिद्दत से करना है, और अगर मल्टीटास्किंग बनना है तो उसी के नियर बाय बन रहा है, उसी के रडार में बन रहा है, राइट? तो ये फेज 1 है। मैं कोशिश करूंगा इसके और अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ आपको समझा पाऊँ और अच्छे नए टॉपिक्स लेकर आ पाऊँ। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड ऑन माई चैनल योगेश चुलका।